देखा जाए तो ये सैंट्रोनी काफी बड़ा आइलैंड है। ये तकरीबन हमें आधा पौना घंटा तो हो गया है, ठीक है। ये स्लो स्लो जा रही है, एक एंड से दूसरा एंड तक 15-15 किलोमीटर की राइड है, क्योंकि हमने वो माइक्रो बाइक की है वो भी चलाई है, थोड़ी सी गाड़ी भी की है, तो चाहिए काफ़ी बड़ा आइलैंड है। बहुत सी जगह है, एक एंड से दूसरे एंड देखने की बहुत सी जगह, नए पहले बहुत अच्छी जगह है आने के लिए। आप आए पॉपुलेटेड है, आपको वाइट जगह भी मिल जाती है, आपको अगर ग्रीन प्लेसेस आप इंजॉय करते हो तो आपको ग्रीन प्लेसेस भी मिल जाएगी, आपको हर तरह की यहाँ चीज आगे ये हो पाइए। लगता है ऐसी है तो उसे कही है जैसे कोई आइस पड़ी हो, लेकिन ये आइस नहीं है, ये घर है। ये ऊपर मुझे पता है क्योंकि वो सारे व्हाइट पेंटिंग है, कोई और उसके अंदर पेंट हुआ ही नहीं, शायद ही दूर से ही आपको एक आधा को पेंट नजर आता है, अदरवाइज तो आपको नजर ही नहीं आता। वो जो है ना वो ऐसे ही फील होता है आपको, जैसे आप जो है ना ऊपर बर्फ जो ऐसे बर्फ नहीं होती है, पेंटिंग ये सारे खाई दूर से ऐसे लगता है। पुराना होगा तो जमाने में आपको पता व्हाइट कलर से नजर आता होगा, शायद उस वजह से इन्होंने पेंट किया, उस कंडीशन अभी तक भी कंटिन्यू रखा होगा। लेकिन यहाँ एक और चीज जो मैंने बड़ी नोट किया है वो ये है कि आप दूर से देखें तो आपको दूर एक जगह के ऊपर मस्जिद की तरह का मेहराब नजर आएगा, उसके साथ मीनार भी नजर आएगा। वो बेसिकली मेरे ख्याल में जो था मुझे फील होता है ऐसा कि वो पहले किसी जमाने में बता दी थी, उसको उन्होंने पेंट करके तो उसी तरीके से उसकी शेप खत्म कर दी और उसको जो है ना उन्होंने वाइट पेंट कर दिया या अपना जो भी है पेंट कर दिया। उसमें बहुत से यहाँ इनसे खींचा मैं ऐसे जिसके साथ खींचा बना हुआ, उसके साथ एक मीनार भी बना हुआ है, क्योंकि मीनार कंस्ट्रक्शन में जो है वो कभी भी फेल नहीं होता, हाँ ही दिखाई देता है कहीं और जगह पे मीनार का काम के बना मकान का काम मेरे घर में जो सतरत उस्मानिया के दौर में बता दी जब इन्होंने आज़ादी दी सतरत उस्मानिया से, तो उसके बाद उन्होंने मकानी को जो है कन्वर्ट कर दिया अपनी इबादत गाँव में लीसा में चर्च में चर्च बना दिया। मेन मुझे ऐसे ही होता है आज में, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि एक सल्तनत 600 साल तक एक मुल्क की सल्तनत का पार्ट रहे और आज वहाँ आपको एक भी उसका निशानी का नजर आए, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक होकर जो है ना उसको ख़त्म किया। इस्लाम का और जो सल्तनत उस्मानिया की जो निशानियाँ थी उसको बड़ा सिस्टमेटिक हो गया उन्होंने। एनी वे एक अच्छा मुल्क है ग्रीस, वहाँ के लिए आप आए इंजॉय करें, अच्छा बर्गर है, फूड आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ खाते हो, ठीक है। मेरे ख्याल में 0 पॉइंट है फूड को, और ये है कि आप फल फल ले लें वो आपको मिल जाएगी यहाँ से, वही खा लें। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड ले लें, बाकी के अच्छी बर्गर टिंग वगैरह तो नहीं मिलेंगे। मैकडोनल्ड ही एक देखा मैंने, वो भी 0 के सेंटर में एक मैकडोनल्ड है। उसके बाद यहाँ के अपने ही शॉप्स हैं जो अपने ही फूड हैं, जिसमें इनके अपने कबाब होते हैं, बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और बीफ में भी बहुत बहुत खाया जाता है, तो बेकन वगैरह तो वो है आपके पास चॉइस। उसके बाद जो सबसे बड़ी आपके पास चॉइस है वो यही है कि आप विला लें, बाहर जाएं, अगर आप आ रहे हैं रस के मूड में हैं, घर के अंदर समाज विला में जो भी अपार्टमेंट लिया आपने फैमिली को फैमिली के साथ में, उसमें आप बुक कराएं, उसमें सामान लेके एक दफ़ा ग्रोसरी रख लें और फिर घर से खाना खाएं, ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट तो चले आप बाहर से कर सकते हैं, अच्छा है, वो लो ऑप्शन है आपके पास, जिस तरह आज भी आपने ब्रेकफास्ट प्राइस ही किया
तो वो करें ब्रेकफास्ट, वो अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास बाहर से कर सकते हो। बाकी लंच और डिनर वगैरह जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा सा इशू होगा अगर आप डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अगर नहीं तो फिर बाकी कुछ भी खा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके खाने के लिए। थैंक यू।